कमिशन निजुक्त पाता अध्यक्ष एवं सदस्य मानक बयस सीमा को वृद्धि कर आगु 62 बयस वर्ष पर्यंत रही पारि थांते एबे ताकु वृद्धि करी 65 वर्ष पर्यंत बयस सीमा वृद्धि कर वेतन अवृद्धि अतिरिक्त पेंशन निवृत्त करिबा पूर्ववर्ती सेवा और आयोगर सेवा विचार को नहीं सर्वाधिक ग्राच्युटी सीमा 20 लाख टंका पूर्ववर्ती सेवार अवसर बयस सेवार अवसर बयस पर्यंत जीपीएफ बा सीपीएफ रो सब्सक्रिप्शन और सर्वभारतीय सेवा अधिकारी परी एलटीसी व्यवस्था कराई ये सब जो नूतन प्रस्तावगुड़िक संशोधित ओडिशा कर्मचारी प्रवरण आयोग नियमावली 1995 रो संशोधन को आज राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन कर कैबिनेट मीटिंग रे विभिन्न विभाग 15 गोटी प्रस्ताव उपस्थापन कर 15 गोटी प्रस्ताव आलोचना होई आज गृहीत होई जो 15 गोटी प्रपोजाल रु 2टी विशिष्ट विशेष प्रस्ताव थिला गोटे हूँ योजना तैयारी कर योजना फल चिकित्सालय शिक्षानुष्ठान मुख्य बजार पर्यटन स्थल व्यवसाय केन्द्र पंचायत कार्यालय इत्यादि गुड़ी उन्नत मान सबुदिनिया सड़क सुविधा जोगे देवा लक्ष्य यही योजना को प्रणयन करा आज राज्य कैबिनेट यही योजन 2 आर्थिक वर्ष यथा 23 एवं 24 25 दुई वर्ष 918 कोटी टंकार व्यवहार रे आनुमानिक 554.67 किलोमीटर नूतन रास्ता निर्माण करने सहित चालू रही प्रकल्प गुड़ी को संपन्न करने योजना आज यही प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन कर ग्राम्य उन्नयन विभाग चतुर्थ प्रस्तावटी हूँ जो एक्जिस्टिंग स्कीम अच्छी बर्तमान चालू रही गोटे योजना जार ना हूँ मुख्यमंत्री सड़क योजना कनेक्टिंग मिसिंग रोड लिंक्स MMSY CMRL ये बेले बेले विभिन्न ब्लॉक भितर रास्ता तैयारी किंतु गोटे ब्लॉक रु आउ गोटे ब्लॉक को जीवापी जो छोटिया छोटिया कनेक्टिविटी मिसिंग अच्छे से भाई जिला गोटे जिलार आउ गोटे जिला आम राज्य रु अन्य राज्य पड़ोसी राज्य को जीवापी जो अल्प छोटिया छोटिया मिसिंग पोर्सन अच्छी से मिसिंग लिंक गुड़ी थ्रु करने जो योजनाटी प्रणयन कर आंतराज्य आंतः जिला एवं आंतः ब्लॉक मध्य असंयोजित रास्ता गुड़िक मुख्य रास्ता सहित संयोगीकरण लक्ष्य नहीं जो योजना तैयारी करा जायतला यही योजना अंतर्गत 2 वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 यही 2 आर्थिक वर्ष 1160 कोटी टंका व्यवराद करा जाई आनुमानिक 673.5 किलोमीटर नूतन रास्ता तथा सेतु निर्माण एवं यही योजना अनुसार जो प्रकल्प गुड़िक चालू रही तार कार्य मध्य समापन करा जिवो एथिपई 1160 कोटी टंका यही 2 वर्ष खर्च करा जिवो आज यही प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल स्वीकृति प्रदान करते 4टी प्रस्ताव ग्राम्य उन्नयन विभाग जो 4टी प्रस्ताव रही रहा आज राज्य मंत्रिमंडल स्वीकृति प्रदान करते 4टी प्रस्तावपी राज्य सरकार निजस्व बजेट रु 4,947 कोटी टंका व्यय करेंगे आज कैबिनेट ताको अनुमोदन दे गोटे प्रस्ताव WCD डिपार्टमेंट महिला और शिशु विकास विभाग तरफ आज मंत्रिमंडल सम्मुख उपस्थापन करा जहाँ आज स्वीकृति लाभ कर मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना MSPY जहाँ लक्ष्य हूँ 15 रु 19 वर्ष पर्यंत समस्त किशोरी बालिका गर्भवती महिला प्रसूति माँ तथा सीवियरली एक्यूट मालनरिस्ट MAM आउ एम मैम चिल्ड्रेन एवं SUW शिशु मानकर पुष्टिगत एवं स्वास्थ्यगत उन्नति निमन्ते यही जो नूतन योजना को अनुमोदन करा जाई छी यही योजना 2023-24 मसीहारु कार्यकारी हेबो एवं 5 वर्ष पई यही योजना वर्तमान आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर जो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना 5 वर्ष पई चालू रहिबो
यही योजना पर 3,354.40 कोटी व्यय मंजूर आज कर आईसीडीएस प्रोजेक्ट स्तर में किशोरी मानक पुष्टिगत उन्नति निम्ते अंडा लड़ू पुष्टिकर सप्लीमेंट इत्यादि जोगे दिए जीवो किशोरी मेला आयोजन करा जीवो रक्तहीनता स्क्रीनिंग करा जीवो एवं अन्यान्य कार्यक्रम संगठित करा जीवो से भली गर्भवती महिला और प्रसूति माँ मानक अतिरिक्त टेक होम रेशन आकार अंडा मिलेट एवं पुष्टिकर खाद्य पदार्थ इत्यादि जोगे दि जीवो सा मैम एवं अंडर नरिश चिल्ड्रेन मैं 6 वर्ष कम जो मैंने अच्छा से मानक अगमेंटेड टीएचआर जो टेक होम रोशन अगमेंटेड टेक होम रोशन रेशन एवं अंडा जोगे दि जीव यही जो कार्यक्रम 5 वर्ष पर्यंत चालू रही है एथिरे 3,354.40 कोटी टंका खर्च कर आज राज्य मंत्रिमंडल यह स्वीकृति प्रदान कर आउ गोटे प्रस्ताव थिला अर्थ विभाग जो थे बेसिकली ओडिशा द्रव्य और सेवाकर जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 करिवा पई आज कैबिनेट ताकु अप्रूव करचंदी टिकस दाता एवं टिकस कर्तृपक्ष केतक जो अधिक सुविधा जोगे दबा पई प्रस्ताव रही है जो मैंने ई कमर्स ऑपरेटर अछंती से मैंने जो सामग्री जोगाण रे नियोजित पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन लेवी अधीन टैक्स देवा उपर लगिता प्रतिबंधक हटे दि जा दिजार प्रस्ताव रही जड़े कर प्रदान करी टिकस योग्य व्यक्ति प्राप्त द्रव्य सेवा बा उभय को कंपानी अधिनियम 2013 धारा 135 दर्शाई कॉर्पोरेट सीएसआर अधीन दायित्व सम्बन्धी कार्यकलाप व्यवहार करते से लगे इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होबना सेमती पंजीकरण रद्द आदेश प्रत्याहार करने आदेश ग्रहण करार 30 दिन मध्य आवेदन करा लगी व्यवस्था रही बर्तमान यह संशोधन कर सरकार को ये क्षेत्र में समय सर्त और प्रतबंधक संपर्क में अधिक नमनीयता प्रदान करार क्षमता दिजार प्रस्ताव रही जो जीएसटी आईन रे आमर किसी अपिलेट व्यवस्था नाला गठित द्रव्य मान 2017 आक्ट रे गठित द्रव्य और सेवा टिकस अपिलेट ट्राइब्युनाल को अपिल शुणापी ओडिशा द्रव्य और सेवाकर अधिनियम अधीन अपिलेट ट्राइब्युनाल भावे ग्रहण करिबा और अपिलेट ट्राइब्युनाल एरिया बेंच किंवा जातीय बेंच किंवा आंचलिक बेंच परिवर्ते प्रधान खंडपीठ और राज्य खंडपीठ गठन निमंते प्रस्ताव रही केतक अपराध को अपराध मुक्त करिबा एवं उक्त अपराध पे प्रोसिक्यूशन आरंभ करिया पे आर्थिक सीमा को जो आगुरु 20 कोटी टंका भितर थिला ताकु वर्तमान 2 कोटी टंका पर्यंत ताकु क्रिमिनल लायबिलिटी रहिबो नाही एवं ताकु ताकु मध्य आज सरलीकरण करा जायछि एही भली विभिन्न उपादेय प्रस्ताव गुड़िक ओडिशा गुड्स एंड सर्विसेस अमेंडमेंट बिल 2023 अंतर्भुक्त करिया पे आज राज्य मंत्रिमंडल निष्पत्ति नहीं आज ये विधेयक को विधेयक संबंधी प्रस्ताव को आज स्वीकृति प्रदान कर राज्य मंत्रिमंडल तापर हूँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रो साधारण प्रशासन विभाग तरफ गोटे एजेंडा बुक कराइला जो आपण मैंने जानते सहर टास्क फोर्स तार रिपोर्ट रे पारा 48 सब पारा 7 अनुसार रेकमेंड कर जे जो मैंने डिस्क्रिप्सनरी कोटारे आलर्टी होते एवं मल्टीपुल आलर्टी कैनसल करने जो टास्क फोर्स मंतव्य देपर इट हाज बीन सजेस्टेड इन द रिपोर्ट दैट द कैनसलेसन मे नॉट बी डन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन आलर्टी गेटिंग ओनली वन प्लॉट और हाउस और प्लॉट थ्रू फेयर मीन्स एंड बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड प्रोविजन फॉर सच ट्रांसफर तेणु आज इट इज देयरफॉर डिसाइडेड कैबिनेट हाज डिसाइडेड टू एक्सक्लूड द नेम ऑफ द आलर्टीज गेटिंग वन प्लॉट हाउस प्लॉट थ्रू फेयर मीन्स एंड बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ सच अलॉटमेंट इन फेवर ऑफ द लीगल हेयर्स of the original allottee under the category of post possession transfer cases from purview of the task force report aji yaku cabinet sammati pradan karchen sei bhali au gotiye prastav thila odisha staff selection commission method of recruitment and condition of service
ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स रूल 1995 को अमेंड करिया पई संशोधन करिया पई। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो अध्यक्ष और सदस्य मानकर सेवा नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तावली नियम 1995 रे प्रस्तावित संशोधन अनुजाई ओडिशा जो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रे नियुक्ति पाथिया अध्यक्ष एवं सदस्य मानकर वयस सीमा को वृद्धि करा जाई छे। आगुरु 62 वयस पर्यंत वर्ष पर्यंत रहते रही पारिथांते एबे ताकु वृद्धि करी 65 वर्ष पर्यंत वयस सीमा वृद्धि करा जाई छे। से मानकर वेतन अवृद्धि अतिरिक्त पेंशन निवृत्त करिबा पूर्ववर्ती सेवा और आयोगर सेवा विचार को नहीं सर्वाधिक ग्राच्युटी सीमा 20 लाख टंका पूर्ववर्ती सेवार अवसर बयस सेवार अवसर बयस पर्यंत जीपीएफ बा सीपीएफ रो सब्सक्रिप्शन और सर्वभारतीय सेवा अधिकारी परी एलटीसी व्यवस्था कराई सब जो नूतन प्रस्ताव गुड़िक संशोधित ओडिशा कर्मचारी प्रवरण आयोग नियमावली 1995 रो संशोधन को आज राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन कर।